अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे मेरे दोस्तों? प्रवीण भाई, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ मेरे कुछ चंद दोस्त हैं जो हमसे कुछ ज़्यादा हसद करते हैं या जिनको हमसे ज़्यादा मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो हमारी फेसबुक आईडीज़ पे हमारे लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारी लगातार आईडी पे जो है ना रिपोर्टें मारी जा रही हैं और हमारी आईडी को ब्लॉक किया जा रहा है। तो मैं उन दोस्तों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि भाईजान, जिस मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है, जिस मेरे भाई को कोई मसला है, जो उसको हसद करता है या हमारे सस्ता कबूतर बेचने से कोई मसला है या अच्छा कबूतर बेचने से कोई मसला है, तो भाईजान उनको हमसे सीधा रब्ता करना चाहिए। हम अपना नंबर भी उनको मेंशन कर देते हैं, वो हमसे सीधा आके रब्ता कर ले फ़ोन पे, हमसे आके बैठ के हमसे मसला हल कर सकता है। मगर इस तरह यूं रिपोर्टें मारने का कोई तुक नहीं बनता, ये ख़ानदानी लोगों के काम नहीं होते, बेगैरत लोगों के काम होते हैं जो ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाईजान ख़ानदानी बनो, ज़मीर वाले बनो, बेज़मीरे मत बनो और सामने आके बात करो। जिसने भी जो बात करनी सामने आके बात करो, जो भी कोई प्रॉब्लम है, जिसको भी कि हमारा अच्छा कबूतर बेचने से कोई प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमसे आके सामने आके बात करें। और हसन भाई के पास भी मैं आया हूँ, उन्होंने भी आज मुझे फ़ोन किया था कि नादिर भाई, मेरी भी आईडी जो है ना रात से ब्लॉक कर दी गई है और ये मुसलसल हफ्ते में दूसरी मरतबा आईडी ब्लॉक की गई है। तो मैंने कहा चलो भाई, हम दोनों भाई मिलके जो है ना एक वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे सब चाहने वाले जितने दोस्त हैं वो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैगाम पहुँचाएँ। और हसन भाई का भी यही प्रॉब्लम है मज़ीद, क्योंकि इनकी भी जो आईडी है आज फिर 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दी गई। आज से 2 दिन पहले भी इनकी आईडी जो है 7 दिन के लिए ब्लॉक की गई थी और आज फिर जो है ना 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दी गई है। तो हसन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप सुन सकते हैं। भाई जान, हमारा भी मकसद यही है, ज़रा गरीब बंदे भी शोक कर सके, यही ना हो सारी अमीरी अमीर शोक करी जाए। भाई जान, हम इसलिए सस्ता कबूतर देते हैं ताकि हर बंदा शोक कर सके। हमारा मकसद ये नहीं होता भाई जान हम महंगे कबूतर लेके आए तो आगे महंगे ही बेचे। हमारा भी मकसद यही होता है अपने भाइयों के लिए सस्ते लेके आगे अपने सब भाइयों को हम सस्ते ही दे, जिससे हमसे हसद है। भाई जान, हम अपना नंबर शेयर करते हैं, हमसे आके बात करें, जिससे भी जिस किस्म का भी कोई मसला है, कुछ भी है, अगर हमारी तरफ से भाई जान कोई दिल आजारी है, हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं अपने भाइयों के। भाई जान, मैं हसन भाई की बात कर रहा हूँ, अगर जिस मेरे भाई को कोई भी मसला है या हमसे कोई हसद है, कोई भी मसला है या हमारे जाति को मसला है, तो भाई जान वो हमसे बैठ के मसला हल कर सकता है। अगर हमारी गलती होगी तो भाई हम उनसे माफ़रत कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी करने वाला और माफ़ करने वाला जो है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है, माफ़ी मांगने वाला भी बहुत बड़ा होता है। तो हम माफ़ी मांगने से नहीं कतराते भाई जान, हमारी गलती होगी तो हम ज़रूर आपसे माजरत करेंगे। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ानदानी बने, बेखानदानी मत बने और जो भी मसला है हमसे आगे बैठ के बात करें, ना कि हमारी फेसबुक आईडियों पर रिपोर्टें मारें, हमारी वीडियो के नीचे रिपोर्टें मारें, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बस हमारी वीडियो पर रिपोर्टें मत मारा करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप दोस्तों के लिए बनाते हैं, आपकी मोहब्बत के लिए बनाते हैं। और भाई हमसे बार बार रब्ता करते हैं कि नादिर भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, हसन भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो हम आपकी वीडियो के लिए, आप दोस्तों की मोहब्बत के लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि हमें कोई इतना शौक नहीं है या हमारी आईडी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमारी आईडी आप ब्लॉक करवा देंगे तो हम न्यू आईडी बना लेंगे। हमारे घर में रोजी रोटी जो है ना वो अल्लाह पाक ने लिख दी गई है, वो हमें मिलना ही मिलना है, वो आपकी ब्लॉग मारने से, रिपोर्टें मारने से कुछ भी नहीं जाना हमारा, हमारा कुछ भी नहीं जाना। भाई जान, आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि जो मेरा भाई भी ये घटिया काम कर रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि ये इस हरकत से बाज आए और जो भी बात है वो हमसे सामने आके कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त नादिर खान को इजाज़त दें। अल्लाह।